बचपन से लीवर की प्रॉब्लम थी, तो पैदा होते इसको पीलिया हो गया था। उस टाइम से इसकी दवाई चल रही है जी। तो बस अभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया इसको चंडीगढ़ पीजीआई से। अच्छा। कि इसका लीवर ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है। दादरी में दिखाया, भिवानी में दिखाया, रोहतक में दिखाया, फिर लास्ट में पीजीआई का ऑप्शन मिला, अभी चंडीगढ़ पीजीआई में दिखाओ। तो अभी 2015 से इसको कंटिन्यू चंडीगढ़ पीजीआई चल रहा है जी, इलाज इसका। नमस्कार दोस्तों, जिस बच्ची का और जिस पिता का इंटरव्यू मैं करने वाला हूँ उसको आप धैर्य के साथ आपको देखना है। और ये एक ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो किसी के साथ भी उत्पन्न हो सकती हैं, और उससे लड़ने का जो साहस है वो हमें कैसे पैदा होता है आज हम इन पिता से जानेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम विजेंद्र है सर। कहाँ रहते हैं और क्या काम करते हैं आप? सर मैं नीमली गांव में रहता हूँ, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है मेरी, और मैं एक प्राइवेट नौकरी में काम करता हूँ जी। अच्छा, आपकी कितनी आमदनी है महीने की? मेरी सर आमदनी 18 से 20 हज़ार जी। 18-20 हज़ार रुपये आप महीना कमाते हो? अच्छा, तो आपके जो कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं जी। जी हाँ जी, ये बड़ी लड़की है, 2 लड़के हैं जी। 2 लड़के हैं और बड़ी लड़की है। ये जो लड़की है इसकी उम्र कितनी है? ये जी अभी मई में 8 साल की हो जाएगी जी। अच्छा, मई में 8 साल की हो जाएगी। नाम रेखा है इसका? रेखा। अच्छा, रेखा को क्या तकलीफ है? इसको सर बचपन से लीवर की प्रॉब्लम थी, तो पैदा होते इसको पीलिया हो गया था। उस टाइम से इसकी दवाई चल रही है जी। तो बस अभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया इसको चंडीगढ़ पीजीआई से। अच्छा। कि इसका लीवर ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है। अच्छा, तो आपने कितनी जगह पे इस बच्चे को दिखाया है? मेरी यहाँ आसपास जहाँ भी किसी ने बताया कि भाई वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, हर जगह लेके गया जी इसको। दादरी में दिखाया, भिवानी में दिखाया, रोहतक में दिखाया, फिर लास्ट में पीजीआई का ऑप्शन मिला, अभी चंडीगढ़ पीजीआई में दिखाओ। तो अभी 2015 से इसको कंटिन्यू चंडीगढ़ पीजीआई चल रहा है जी इलाज इसका। तो आप कितना इसके इलाज में अभी तक खर्च कर चुके हैं? मैं इसका जी वैसे तो कभी लगाया नहीं कितना हो रहा है, बाकी मेरी जितनी तनख्वाह ही थी इसी पे लग रहा है, 10 लाख के आसपास मेरा लग गया जी। 10 लाख के करीब इलाज में अभी तक खर्च हो चुका है। अच्छा, फिर आपने अब क्या ऑप्शन इस बच्ची के सामने है? मेरा तो जी यही है जी, 8 साल की मेहनत है मेरी, मैं इसका यही लीवर ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहा हूँ जी। अच्छा, कहाँ पे इसका लीवर ट्रांसप्लांट होगा? चेन्नई होगा जी, ग्लोबल हॉस्पिटल में। चेन्नई ग्लोबल, जो साई का है, सत्य साई का वो हॉस्पिटल है या कोई और हॉस्पिटल? ग्लोबल हॉस्पिटल इज चेन्नई। चेन्नई, हाँ जी। तो उन्होंने कुल कितना खर्च इस बच्ची का बताया है? उन्होंने बताया जी टोटल खर्च बताया जी 25 लाख रुपये। अच्छा। हाँ जी, ऑपरेट का 20 लाख रुपये, बाकी 5 लाख रुपये और एक्स्ट्रा होंगे, वहाँ से 3 महीना रहना पड़ेगा हमें। 3 महीने आपको वहाँ रहना पड़ेगा। तो अभी आपके पास कितने पैसे हैं? मेरे पास तो जी कुछ भी नहीं था, अभी ये मिलाप उस पे इसका उन्होंने ही डाला बना के, एक लिंक बना के, तो उसमें 10 लाख के करीब पैसे हो गए जी लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने डाला है। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, तो फिर उस कब तक डाल सकते हैं उसमें पैसे? उसमें जी पैसे उन्होंने 30 दिन का टाइम दिया था, अब उनमें 18 दिन रह गया जी। 18 दिन में कितने पैसे आ चुके हैं वहाँ पे? वहाँ जी अभी 10 लाख और 10,80,000 के करीब आ गए थे जी। अच्छा, तो वो सीधा हॉस्पिटल के फंड में जा रहे हैं? हाँ जी, वो उधर ही जा रहे हैं जी सारे। अच्छा, और जैसे ही 20 लाख रुपए पूरे होंगे वो बंद हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बंद हो जाएगा जी। अच्छा, तो आपको क्या उम्मीद लग रहा है, आप रेखा को स्वस्थ कर देंगे, बचा लेंगे रेखा को? हाँ जी, मेरे को उम्मीद है जी पूरी कि मेरी बच्ची बच जाएगी। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो हरिभूमि के दर्शक हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही करना चाहूँगा कि मेरी जितनी हेल्प हो सके उतनी कर दो जी, मेरी बच्ची के लिए, इसकी जान बच जाएगी। तो आपके पास खेती वगैरह का कोई साधन नहीं है? कुछ नहीं है जी, ले दे के गाँव में मकान है बस, वही है। तो ये कितना मतलब इसको मेडिसिन पे ही रहती है अब तो दिन में? मेडिसिन पे रहती है जी। दोस्तों, ये चरखी दादरी के विजेंद्र हैं, ये इनकी 8 साल की बेटी रेखा है। जैसा आपने इनसे पता किया है कि इनका लीवर ट्रांसप्लांट होना है और कोई ऑप्शन अब डॉक्टर के पास नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस संस्था का सारी डिटेल और तरीका पता चल जाएगा जहां से आप इस बच्चे की मदद कर सकते हैं। जितना भी आपसे बन सके, जितना भी आप कर सकते हैं, रेखा की मदद करें।
ये बच्ची बहुत होनहार बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है और इसको हम सब की मदद और दुआओं दोनों की ज़रूरत है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पे जाकर मदद कर सकते हैं। 11 लाख रुपए अभी तक इकट्ठा हो चुके हैं और 9 लाख रुपए की अभी ज़रूरत है। जो ही ये 20 लाख रुपए इकट्ठा होंगे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा पोर्टल और बच्ची का इलाज शुरू हो जाएगा। 30 दिन का इन्होंने समय दिया था, 18 दिन अभी बचे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे जो लोग हैं आगे आएंगे और इस बच्ची का जीवन बचाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, हर संभव कोशिश करें। जहाँ तक हमारा बनता है, जहाँ तक हम शेयर कर सकते हैं, जहाँ तक अगर 1 रुपया भी दे सकते हैं, अगर हम 100 रुपये भी दे सकते हैं, तो लिंक पर जाकर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर ज़रूर डालें, ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करें। हो सकता है नया साल इस बच्ची की ज़िंदगी के लिए नया सवेरा बनकर आए और उसमें हम कुछ मदद अपनी तरफ से कर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्ची की मदद हो सके। शुक्रिया दोस्तों।